हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी विंटर्स टू ऑल ऑफ यू। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है आजकल, तो मैं जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज बात कर रही हूँ मीशो ऐप के बारे में और मीशो से मुझे जो रिसीव हुई है साड़ी उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मीशो ऐप क्या है। तो मीशो ऐप के बारे में एक और चीज़ बता दूँ कि पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, आप जहाँ भी सर्च करेंगे आपको मीशो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं इस वीडियो को अबाउट मीशो नहीं बनाना चाहती हूँ, इतना लंबा या लेंथी नहीं बनाना चाहती हूँ, शॉर्टकट में आपको बता देना चाहती हूँ। मीशो ऐप को आप प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब आप एंड्रॉयड यूज़र हो या आईफोन यूज़र हो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो जो स्टेप बाय स्टेप आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा, लाइक आपका नाम, जेंडर एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन लाइक ईमेल आईडी एंड ब्ला ब्ला, वो सारी चीज़ें आपको उसमें फिल करते जानी, जैसे कि आप बाकी के ऐप में करते हैं लाइक फेसबुक, इंस्टा। जब भी कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे फिल करने के लिए पूछता है, वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। इसके बाद आपको एक ऐसा वीडियो भी देखने को मिलता है जिस लैंग्वेज में आप चाहें वो लैंग्वेज में वो वीडियो देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड ब्ला ब्ला, जो भी लैंग्वेजेस उसमें अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं। उस लैंग्वेज में वो आपको बता देंगे मीशो ऐप को एक्चुअली में चलाना कैसे, कैसे ये ऐप काम करता है। और आपको करना क्या, जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद ही आप उस ऐप के अंदर एंटर कर जाएंगे। एंटर करने के बाद आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज खुल के आ जाएंगी, लाइक साड़ी, फुटवेयर्स, ज्वेलरी, मेंस वेयर, किड्स वेयर एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारी कैटेगरीज खुल के आ जाएंगी। जो भी कैटेगरी आपको पिक करनी है आपको उसमें जाना है। उसमें सपोज़ कॉटन साड़ीज़ है, तो कॉटन साड़ीज़ में आपको कई सारे कलर और वेरिएशन मिल जाएंगे, लाइक कॉटन साड़ी का ग्रीन कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर, इस तरह के मिल जाएंगे आपको। वो सारी साड़ियों में से जो भी अगर एक पिक करनी है या सारी साड़ियों की फ़ोटोज़ आपको शेयर करनी है, तो उसमें तुरंत शेयर नाउ का ऑप्शन आता है। शेयर नाउ में आप क्लिक करेंगे, वो आपके सामने चार ऑप्शन पांच खोल के रख देगा, जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप। आपको सपोज़ व्हाट्सएप में शेयर करना है, आप व्हाट्सएप में गए, उसके स्टेटस में आपने जाके तुरंत शेयर कर दिया शेयर नाउ, तो सारी फोटोज़ उस पर दिखने लगेंगी जो आपके व्हाट्सएप में आपसे जुड़े हैं, वो फोटोज़ देख सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड हैं बाय करने के लिए वो आपको मैसेज करेंगे, पिंग बैक करेंगे आपको कि ये साड़ी का प्राइस कितना है। अब यहाँ पर आता है आपकी अर्निंग की बारी। तो साड़ी का प्राइस जब वो पूछेंगे, सपोज़ साड़ी का प्राइस 650 रुपीज़ है, उसमें आपने अपना मार्जिन, अपना प्रॉफिट जोड़ा 25 रुपीज़, तो टोटल आपने उसको बताया सामने वाले को 675, यानी 650 की साड़ी को आपने 675 बताया, तो आपका मार्जिन होता है यहाँ पर 25 रुपीज़ का। उसने बोला कि अगले ने, जिसने भी आपको सॉरी जिसको भी ये साड़ी बाय करनी, उसने कहा मुझे ये साड़ी चाहिए, आपने उसका एड्रेस लिया, पूरा एड्रेस फिल किया। एड्रेस फिल करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, लाइक सीओडी है या पे ऑन सीओडी है या फिर ऑनलाइन पेमेंट है, ये भी आपको डिस्कस कर लेना है। अगर ऑनलाइन पेमेंट है तो उनसे ऑनलाइन पेमेंट करवा लेना है, और अगर सीओडी है तो वो उनके घर से वो रिसीव कर लेंगे। तो जैसे बिलिंग वगैरह हो जाती है, एड्रेस हो जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। इसके बाद मीशो का काम शुरू होता है, वो अपना काम इस तरह से करते हैं कि वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। सो मैं बात कर रही थी कि इसके बाद वो प्रोडक्ट मीशो वहाँ पे जाकर उनको प्रोडक्ट देगा, वो प्रोडक्ट रिसीव करेंगे वहाँ से, उनको जो अगर कैश ऑन डिलीवरी करनी उन्हें कैश देंगे। इसके बाद मीशो जो आपका प्रॉफिट अमाउंट है लाइक 25 रुपीज़, वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह से आपने एक साड़ी से 25 रुपीज़ कमाया। इसी तरह से बहुत अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं फेसबुक पेज पे, इंस्टा पेज पे, व्हाट्सएप पे, और बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे बैठे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और मीशो के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, इसका मैं कोई झूठा प्रूफ नहीं दे रही हूँ, उसका रियल एग्जांपल मैं दिखाऊंगी अपनी साड़ी के साथ। तो चलिए देखते हैं कि मुझे जो साड़ी रिसीव हुई वो कैसी है। मीशो से मुझे कुछ इस तरह के पैकेज में साड़ी को रिसीव हुआ, मैंने इसे ओपन भी कर दिया, ये एक पॉली बैग के अंदर भी था, ट्रांसपेरेंट पॉली बैग, तो मैंने उसे रिमूव कर दिया। तो सबसे पहले तो देखिए ये है वो साड़ी, देख सकते हैं साड़ी का कलर है मरून कलर की, ये साड़ी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है, मटेरियल, क्लोथ सब बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ इस साड़ी के साथ। सो बहुत ही सॉफ्ट शिफॉन कपड़े में है ये जो मुझे रिसीव हुई। कपड़ा इतना ज़्यादा अच्छा है, अनएक्सपेक्टेड है, आपको मैं रियली बता रही हूँ, मैं कोई मीशो की वो नहीं कर रही हूँ, मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूँ वहाँ के प्रोडक्ट की, लेकिन लिटरली कपड़ा बहुत ज़्यादा ऑसम, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस तरह का बॉर्डर वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये बॉर्डर है गोल्डन कलर का, इतना डिसेंट और लाइट सा काम है पूरी साड़ी में, इस तरह का इन्होंने ये बॉर्डर दे के रखा है, आप देख सकते हैं। मैं अभी ड्रेप करके दिखाऊंगी तब भी आप देख सकते हैं इसका लुक वाइज ये कैसा लगता है। ये है इसका मटेरियल जो बहुत ही सॉफ्ट है, मैंने आपको बताया शिफॉन मटेरियल है इसका, सॉफ्ट टच में है और मरून कलर में है। वैसे मैंने जो शिफॉन देखा ना वो थोड़ा फेडेड होता है मुझे कई बार जो मिला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। इस साड़ी में चार ऑप्शन थे लाइक ब्लैक, येलो, डार्क ग्रीन एंड मरून।
सो मैंने ये मरून वाला पिक किया, मुझे ये बहुत अच्छा कलर लगा। मेरे पास मरून में अभी कुछ रीसेंट नहीं था, मैंने सोचा ये पिक करूँ। और मरून कलर ऐसा कलर होता है जो हर स्किन टोन पे जाता है, लाइक फेयर एंड डार्क सब पे ये बहुत ज़्यादा हिट करता है, तो इसलिए मैंने मरून को पिक किया। सो सिंपली साड़ी पूरी इस तरह की है, कोई बीच में ऐसा कुछ भी काम नहीं है, बिल्कुल प्लेन साड़ी है। सिर्फ इन्होंने बॉर्डर बॉर्डर दे के रखा हुआ है, सिर्फ बॉर्डर पे है। और इस साड़ी की कॉस्ट भी मैं आपको सब कुछ नीचे मेंशन कर दूंगी, अगर आप लेना चाहें तो मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप देख कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं। देन मैं बात करती हूँ ब्लाउज़ की, जो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आया ब्लाउज़ जो है वो है इस तरह के ब्रोकेट के कपड़े में। देख सकते हैं कितना छोटा छोटा सा काम है, इस तरह के बूटे बने हुए और ब्रोकेट के कपड़े के साथ इन्होंने साथ में सेम इस तरह की लेस दी हुई, जैसी पूरी साड़ी में वैसी इन्होंने ब्लाउज़ के लिए दी हुई है। ब्लाउज़ का टोटल ये मुझे 80 सेंटीमीटर्स का कपड़ा लग रहा है, इससे ज़्यादा नहीं लग रहा है। बट कपड़े का जो मटेरियल आप देख सकते हैं बिल्कुल भी झिल्ली नहीं है, बहुत ही मोटा सा कपड़ा है, अच्छा खासा थोड़ा सा गफ जिसको बोलते हैं कपड़ा है, और बहुत ही अच्छा सुंदर सा काम है। ये बूटे देख सकते हैं कितने प्रिटी बूटे इस पर बने हुए हैं। जब आपको ये साड़ी रिसीव होगी तो ब्लाउज उसमें ही, ब्लाउज जो पीस था ये उसमें अटैच था, मैंने इसको रिमूव कर लिया अलग से। और अगर मैं ये साड़ी स्टिच करवाऊंगी, इस ब्लाउज को स्टिच करवाऊंगी, साड़ी को रेडी करवाऊंगी, तो मैं पूरा अच्छे से पहन के भी लुक दिखाऊंगी, बट अभी मैं आपको सिर्फ साड़ी ड्रेप करके दिखा दूंगी कि किस तरह की लगती है। तो ब्लाउज पीस भी बहुत अच्छा है, साड़ी का स्टफ मटेरियल सब बहुत अच्छा है, मुझे लेस वर्क बहुत अच्छा लगा। लाइट सी साड़ी है, आप हल्के फुल्के किसी फंक्शन में पहन सकते हैं। और अगर आप इस साड़ी के साथ एक बढ़िया सा आप हेयर स्टाइल कर लेते हैं, कुछ लाइट सी गोल्ड ज्वेलरी इसके साथ चल जाएगी अच्छे से, आप चाहे तो इसके साथ सिल्वर भी चला सकते हैं, बट गोल्ड मुझे जाएगी बिकॉज गोल्ड का ही पूरा काम है। मुझे पर्सनली ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, मीशो ऐप मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप भी मीशो ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और अर्निंग करिए, घर बैठे बैठे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप अपने मीशो के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं घर बैठे बैठे और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज का रिव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, स्पेशली मीशो के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मीशो के लिए आई नो कि मैंने मीशो के बारे में बहुत लंबी या लेंदी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इससे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। बट आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मेरी साड़ी रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं ये साड़ी ड्रेप करके आपको दिखाती हूँ। काशनी।